नमस्ते फ्रॉम नोवा गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कार से। आज हम लोग जा रहे हैं द्रुबक, एक सिटी है। और हम क्यों जा रहे हैं अरविंद वहाँ? वहाँ पे एक्चुअली क्या है, जब आप द्रुबक पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक आइलैंड है, और उस आइलैंड का क्या महत्व है वो हम आपको बाद में बताएंगे। बट हम एक आइलैंड पे जा रहे हैं, वहाँ पे इनका जो एक फोर्ट है वहाँ पे, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको वहीं पे जाके बताएंगे। और हम फेरी में जाएंगे, वी गो इनसाइड द फेरी एंड वी विल शो यू द होल ट्रिप। एंड एवा फिलहाल सो रही है, होपफुली वो तब तक उठ जाएगी। सो लेट्स गो टू द्रुबक। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, कलरफुल सी कोजी सा टाउन, ये है गामले द्रुबक। गामले मतलब ओल्ड, तो ये ओल्ड टाउन है। और अभी भी यहाँ का आर्किटेक्ट, ये सारी बिल्डिंग्स काफ़ी ओल्ड स्टाइल में ही है। वीकेंड के दौरान यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है और हम अपनी पार्किंग ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे हम अपनी कार पार्क करके जाएंगे फेरी की तरफ। दोस्तों, हमने आपको द्रुबक की सिटी तो दिखा ही दी है, और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो फोर्ट है ये कैसा है। तो हम एक फेरी लेंगे, हार्डली 5 से 6 मिनट की फेरी है, और फिर बाकी की हिस्ट्री जो है आपको हिस्ट्री का लेसन दूंगा वहीं पे। अब हम लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, अपनी फेरी की वेट कर रहे हैं। ज्यादा लोग नहीं है जैसे आप देख सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट। हमारी फेरी ये वाली है क्या? नहीं, ये कौन सी फेरी है? दिस इज अ कलर लाइन क्रूज, जो आपने अगर वो हमारा व्लॉग देखा होगा जिसमें हम जर्मनी गए थे और हमने फ्री में ये क्रूज करा था। अगर आपने नहीं देखा तो राइट साइड पे स्क्रीन पे लिंक आ रहा है, क्लिक ऑन दैट एंड वॉच इट। और एवा को गर्मी लगी है, सो आई हैव टू ओपन इट। और ये हमारी फेरी आ चुकी है। अभी इसे लोग जो वहाँ से वापस आ रहे हैं वो अब उतरेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। जैसा आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो आ रहे हैं, और अभी फेरी में जाने के लिए इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि मोस्टली लोग सुबह के वक्त ही चले जाते हैं। और अभी हम जिस वक्त गए तो आफ्टरनून हो रही थी। सो नाउ लेट्स गो इनसाइड। सो अंदर एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे सैनिटाइज़र रखे थे, तो वी सैनिटाइज्ड आवर हैंड्स। जैसे आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं और फिर अंदर जा रहे हैं। सो लेट मी ऑल्सो डू इट। Yes. So बस अभी हम फेरी में बैठ चुके हैं और बस ज्यादा दूर नहीं है, वही हमारी डेस्टिनेशन है। Yes. तो 5 मिनट बाद मिलते हैं आप लोगों से, तब तक शेल्टर या आपको फेरी दिखाइए कैसी होती है। तो ये ऊपर वाला डेक आ गया, आपने नीचे देखा था पूरा ये फेरी खाली थी, क्योंकि सब लोग समर्स है ऊपर बैठना ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट्स सनी और यहाँ से व्यू भी आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छा है। जब वेदर थोड़ा ख़राब होता है तो नीचे वाले डेक में ज़्यादा लोग होते हैं। ये सामने कलर लाइन का कार्गो भी जा रहा है एंड लोगों की यॉट भी जा रही है, बोट भी जा रही है। बहुत ही स्पेक्टेक्युलर व्यू है। और यहीं पे ये साइड पे लेफ्ट पे जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक बोट, ये रेस्क्यू बोट है। अगर फेरी को कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें सबको रेस्क्यू किया जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं इस आइलैंड पे। हम यहाँ पे अरविंद 5-6 बार आ चुका है, पर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर एंड आल्सो शो इट टू यू कि यहाँ पे क्या क्या है। एवा आइसक्रीम ढूंढ रही है,
पर शायद आइसक्रीम की शॉप मेरे पीछे है, वो बंद है, तो उसको ये बैड न्यूज देनी पड़ेगी। ओह है वो आंटी, आई थिंक इट्स क्लोज। ओ रन रन, व्हाट हैपेंड, योर आइसक्रीम शॉप इज क्लोज? इज इट ऑरेंज? व्हाट, आई थिंक इट्स रेड। इज इट रेड टू दिस? यस, दिस इज रेड टू। ये सारी जो आप यहाँ पे यॉट्स देख रहे हैं, ये सबकी मोस्टली नॉर्वेजियंस की पर्सनल यॉट्स होती है। जैसे हम फेरी करके आए हैं तो ये आइलैंड हॉपिंग करते हैं अपनी इन यॉट पे, और ये समर में बहुत ही एक फन एक्टिविटी है और ये बहुत ही कॉमन है नॉर्वे में। मोस्टली सबके पास ही अपनी एक पर्सनल यॉट होती है यहाँ पे, जैसे इंडिया में हम सबके पास अपनी पर्सनल कार होती है, यहाँ पे सबके पास अपनी पर्सनल यॉट होती है। कैफे ढूंढ रहे हैं, शायद आगे कैफे है, सो लेट्स गो एंड ईट। आई वो कम हियर, लुक एट दिस, व्हाट, ओह दैट्स अ, दैट्स अ कयाक, कयाक। तो ये रहा सामने हमारा कैफ़े, और लेफ्ट पे देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, दिस माउंटेन्स, दिस वाटर, दिस ब्यूटीफुल यॉट। और अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि व्हाट्स देयर टू ईट। ओ ये हमारा कैफ़े है, व्यू यहाँ से बहुत सही है। अब हम खाने का वेट कर रहे हैं, अब आपको यहाँ से तब तक अपना व्यू दिखाते हैं कितना सही है। फूड इज हियर, एवा अपनी पॉल्से जिसको इंग्लिश में सॉसेजेस बोलते हैं वो खा रही है, हम खा रहे हैं वेजिटेरियन पिज्ज़ा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो देखिए हर जगह यहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता है, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट योर फूड। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बारिश लग गई है, हमने अपना खाना ख़त्म ही किया था क्योंकि देर में वेदर एकदम से चेंज हो गया, सब कुछ बहुत ग्रे हो चुका है एंड बहुत ही ठंड भी हो चुकी है। गाइस बहुत ठंड हो चुकी है, तो इन्हें ये ब्लैंकेट्स दिए हैं ओढ़ने के लिए, और अब हम वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके और फिर हम लोग आगे और थोड़ा अपना एक्सप्लोर करें। तब तक हम लोग बैठे हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का। आप लोग इन्जॉय कीजिए बारिश, आपको व्यू दिखाते हैं कि कैसी लग रही है। So, अब देखिए बारिश भी लगी है और धूप भी आ गई है, पर अब मौसम ठीक हो रहा है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बाकी का आइलैंड। सो आई थिंक 5 more minutes और फिर सब ठीक हो जाएगा। सो सन इज बैक, अगर आप नॉर्वे आ रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर, एकदम से बारिश, एकदम से धूप, और आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे भी कितना सुंदर है, दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल सी। What, Eva? You want to see the queen? Yes. So let's go inside. Maybe she's inside. What? It's locked. It's locked? Yes. Are you sure? And so where is the queen? But it's in the... Where is the queen? But it's in the castle. She's in the castle? So let's go inside. I told you. Yeah. Hey. Here.
कासल का व्यू। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सोल्जर्स की जो एक बैरिक है वो दिखाई गई है, तो हम दिखाते हैं कि जब आप ये बटन दबाएंगे तो ये सिमुलेट करेगा। ये है वर्ल्ड वॉर टू का टाइम दोस्तों। चलो दोस्तों, आपको जो है थोड़ा सा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, ये जो फोर्ट है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो इसलिए है क्योंकि जिस टाइम जर्मनी ने नॉर्वे पे अटैक किया था, राइट, तो जनरली जो रूट था वो सी के थ्रू था, और जो नॉर्वे का किंग था उसे बचाने के लिए क्या हुआ था कि 2 घंटे के लिए यहाँ के जितने भी हमारे फौजी भाई थे उन सभी ने जो थी एक रेजिस्टेंस, एक छोटी सी बैटल कहूँगा, वॉर नहीं, एक बैटल की थी जर्मन नेवी के साथ। तो यहाँ पे जितने भी जो कैनन्स है या तोप है, तोपे हैं, उनके थ्रू उन्होंने जो थी उनकी शिप्स जो थी उसको उड़ाया था या ध्वस्त किया था जो हम कहेंगे। तो बस यही सिग्निफिकेंस है। और इन 2 घंटे में क्या हुआ था कि इनका जो किंग था ही वॉज सेफली टेकन बैक टू डेनमार्क। तो ये जो थी एक यहाँ की बहुत सिग्निफिकेंस, और नॉर्वेजियंस के लिए यहाँ की जो हिस्ट्री है वो एक बहुत ही आई मीन इट इज़ वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, एंड दे थिंक कि भाई उन्होंने जो है उन्होंने अपने किंग को बचाया। और क्योंकि बाकी तो इन लोगों ने जो था नॉर्वे ने सरेंडर कर लिया था इजीली, बिकॉज दे आर नॉट आई थिंक फाइटिंग टाइप्स। तो फिर जर्मनी ने पूरे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम दे रूल्ड दिस एंटायर कंट्री। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू, जो तोपे हैं ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है वो 2 या 3 तोपे, ठीक है। क्लोज लुक देखते हैं किसी भी एक तोप का। One more time, mesmerizing view from the castle. और वो अरविंद व्लॉगिंग करता हुआ आपको दिख रहा है सामने। अब it's time to go back now, so let's go back to our ferry. ये जो आप सामने ड्रेस देख रहे हैं, ये नॉर्वेजियंस की ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसे बुनाट कहते हैं। ये मोस्टली कोई भी अपनी सोशल ओकेजन में, कोई जैसे वेडिंग्स हो गई, कोई इंपॉर्टेंट बर्थडेज या फोक डांस है, तब ये ड्रेसेस पहनते हैं। सबसे ज़्यादा आप ये नॉर्वे की स्ट्रीट्स में ये ड्रेस देखेंगे 17 मई को, जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, तब हर एक नॉर्वेजियन ने और नॉन नॉर्वेजियन ने ये ड्रेस मोस्टली पहनी ही होती है। अब यहाँ पर हम सब लोग वेट कर रहे हैं फेरी के अंदर जाने का, सो लेट्स गो इनसाइड नाउ। So guys, that is it for today. आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। आज हमने गाड़ी से व्लॉग स्टार्ट करा था, एंड वी एंड इट इन द कार, एंड हमें तो बहुत मज़ा आया आज। वी हैड अ वेरी गुड डे टुडे। आई होप आपको भी हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आप किस किस चीज़ पर व्लॉग देखना चाहते हैं। आपके आइडियाज़ हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं, वी लव इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। Bye. I would like
bird. Fly, fly. I want like a bird. Fly, fly. I want like a bird. Fly, fly. इनका जो है एक क्या बोलते हैं यार फेरी नहीं ऑस्करबर्ग फेस्टनिंग की अब देखिए मैं इतना नॉर्वेजियन हूँ मेरे को इंग्लिश पढ़ नहीं पता फोर्ट एक फोर्ट है वहाँ पे शी स्लीपिंग आबु यू लायर व्हाट आर यू डूइंग शो मी आबु यू गॉट अ फीवर रियली Oh my god, guys, she's telling a lie. Please don't think that we are bad parents. Let me put it here. Yeah, so don't think we are bad parents. Kisko fever hai aur hum isko leke ja rahe hain. She is a one naughty liar.